प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा इस संसार समुद्र से खुद का उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा ही अपना मित्र है और यह जीवात्मा ही अपना शत्रु है। मनुष्य को चाहिए कि योग के माध्यम से जीवन के सत्य का दर्शन करे और जीवन के आनंद की उपलब्धि करे। जब व्यक्ति योग की दिशा में गति करता है, तब वह अपना खुद का मित्र बन जाता है, और जब व्यक्ति योग के विपरीत दिशा में गति करता है तो अपना ही शत्रु खुद सिद्ध होता है। इसलिए समझदारी इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि व्यक्ति अपनी आत्मा का अधोगमन न करे, ऊर्ध्वगमन करे। देखा जाए तो व्यक्ति की आत्मा स्वतंत्र है, वह नीचे भी यात्रा कर सकती है और ऊपर भी यात्रा कर सकती है। लेकिन जो आपके हित में है वैसी यात्रा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि धर्म करने में और अधर्म करने में बड़ा फर्क है। और चूंकि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है तो यह दोनों दिशाओं की स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाती है, पूरा करने की भी, भला करने की भी। दूसरे के साथ बुरा भी कर सकती है, अपने साथ बुरा भी कर सकती है, और दूसरों के साथ भला भी कर सकती है और अपने साथ भला भी कर सकती है। मनुष्य चाहे तो अंतिम नरक के दुख तक की यात्रा कर सकता है, और वही मनुष्य यदि चाहे तो मोक्ष के अंतिम सोपान तक की भी यात्रा कर सकता है। दोनों दिशाएं खुली हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य ही अपना मित्र भी हो सकता है और अपना शत्रु भी। लेकिन इस संसार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुद अपने मित्र होते हैं, अधिकतर तो अपने शत्रु ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं उससे अपना ही आत्मघात होता है अगर वह गलत है। हम ऐसा कुछ भी करते हो जिससे यदि दुख फलित होता है तो हम अपने मित्र नहीं कहे जा सकते। स्वयं के लिए दुख के बीज बोने वाला व्यक्ति अपना ही शत्रु है। और पिछले जन्म में जो हमने दुख के बीज बोए हैं उसकी फसल भी इस जन्म में हम काटते हैं। और अगर हम इस जन्म में दुख के बीज बोते हैं और उसकी पूरी फसल न काट सकें वर्तमान जीवन में, तो आने वाले पुनर्जन्म में इस जन्म के भी दुख के बीज हमें काटने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि बीज बोने में और फसल काटने में के बीच बहुत दरमियान होता है, बहुत ज़्यादा वक्त होता है, इसलिए हमें याद नहीं रहता कि हम अपने ही बीजों के साथ की गई मेहनत के फसल काट रहे हैं। अक्सर फासला इतना हो जाता है कि हम सोचते हैं बीज तो हमने अमृत के बोए थे, न मालूम कैसा दुर्भाग्य कि जहर के बीज क्यों उपलब्ध हो, जहर के फल क्यों उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही सत्य बात है कि इस जगत में हम जो बोते हैं वही काटते हैं, उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं मिलता, न मिलने का कोई उपाय है। हम वही पाते हैं जो हम अपने को निर्मित करते हैं, जिसकी हम तैयारी करते हैं। हम वही पहुंचते हैं
जहाँ की हम यात्रा करते हैं, हम वहां पहुंच ही नहीं सकते जहां की हमने यात्रा न की हो। ध्यान रखें, फल ही कसौटी है, परीक्षा है बीज की। फल ही बताता है कि बीज आपने कैसे बोए थे। हम सभी आनंद लाना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन क्या आता है आनंद? हम सभी जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन क्या शांति मिलती है हमें? हम सभी सुख चाहते हैं, पर क्या महासुख बरसता है हम पर? हमारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। हमने जो बोया है वही हमें काटना है। और हम सभी अपने जीवन को देखें तो इस बात को समझ सकते हैं। आदमी असंभव चाह करता है, चाहता है कि मैं गाली दूं, दूसरा मुझे आदर दे जाए। मैं तो दूसरे से घृणा करूं और लोग मुझे प्रेम कर जाएं। मैं तो किसी पर भरोसा ना करूं और सब मुझ पर भरोसा कर लें। मैं तो सबको धोखा दे दूं और मुझे कोई धोखा ना दे। मैं तो सबको दुख पहुंचाऊं लेकिन मुझे कोई ना दुख पहुंचाए। यह असंभव चाह व्यक्ति की होती है। लेकिन जीवन का सूत्र है कि जो हम फेंकते हैं वही हम पर वापस लौटता है। चारों ओर से हमारी ही फेंकी हुई ध्वनियां प्रतिध्वनित होकर हमें मिल जाती हैं। देर लग जाती है ध्वनि को बाहर की दिशाओं से टकराकर वापस लौटने में। वक्त जरूर लग जाता है और जब तक लौटती है तब तक हमें ख्याल भी नहीं रह जाता कि ये गाली हमने ही फेंकी थी और वही वापस लौट रही है। एक बार की बात है, एक सन्यासी किसी गांव के रास्ते से निकल रहा होता है और वहां पर एक आदमी हल चला रहा होता है और बार बार अपने बैलों को बेहूदी गालियां दे रहा होता है। उसने बड़े आंतरिक संबंध बना लिए हैं गालियों से, तो वह सन्यासी उसे रोकता है और कहता है कि पागल, तू यह क्या कर रहा है? तो वह आदमी कहता है कि बैल थोड़े ही कोई गाली मुझे लौटाएगा। तो वह सन्यासी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वह आदमी फिर कहता है कि बैल तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बात तो बिल्कुल सही है, बैल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो गाली वापस नहीं लौटा सकता उसे गाली देने में हर्ज क्या है? देखने में तो ऐसा ही मालूम होता है। और अपने से कमजोर को देखकर हम सब गाली देते हैं और बेवक्त भी गाली देते हैं, जबकि कोई जरूरत भी ना हो तब भी हम गाली दे देते हैं। और कोई कमजोर दिखा कि हमारा दिल मचल आता है कि थोड़ा इसको भी गाली दे दो, इसको भी सता लो। तो उस सन्यासी ने कहा कि देखो, बैलों को तो तू गाली दे रहा है, वे तो नहीं लौटा सकते। और अगर वे लौटा देते तब तो कम खतरा था, क्योंकि निपटारा अभी हो जाता। लेकिन वे गाली लौटा नहीं सकते, लेकिन गाली तो लौटेगी। कभी न कभी तुम्हारे पास ये गाली लौटेगी, किसी न किसी रूप में तो लौटेगी, और तुम महंगे सौदे में पड़ेगा। अतः यह गाली देना छोड़। जब उस किसान ने उस सन्यासी को देखा तो उसकी आंखों में एक पवित्रता मालूम हुई, एक आनंद मालूम हुआ, एक शांति मालूम हुई। तो उसने उस सन्यासी के पैर छुए और कसम खाया कि अब मैं कसम लेता हूं कि इन बैलों को गाली नहीं दूंगा। तो जीवन में हम जब भी कुछ बुरा कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, यह बिल्कुल भ्रांति है। प्राथमिक रूप से हम अपने साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें ही भोगने हैं। वह जो भी हम बो रहे हैं उसकी फसल हमें ही काटनी है। इंच इंच का हिसाब है। इस संसार में ईश्वर ने कुछ भी बेहिसाब नहीं बनाया, और इस संसार में हम अपने ही शत्रु हो जाते हैं। और जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम वास्तव में अपने को ही दुख में डालते हैं
और अपने को ही दुख में उतरने की अपने लिए ही सीढ़ियां बना लेते हैं। और यही आदमी अधार्मिक कहलाता है जो अपना शत्रु खुद है। अधार्मिक कौन है? जो अपना शत्रु खुद है। और जो अपना शत्रु खुद है वो किसी का मित्र कैसे हो सकेगा? जो अपना भी मित्र नहीं है वो किसी का मित्र कैसे हो सकेगा? जो अपने लिए ही दुख के आधार बना रहा है वो सबके लिए दुख के आधार बना देगा। पहला पाप अपने साथ शत्रुता है, फिर उसका फैलाव होता है, फिर निकटतम लोगों के साथ शत्रुता बनती है, फिर दूरतम लोगों के साथ शत्रुता होती है, फिर इसी तरह जहर फैलता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम तो समझते हैं कि हमने एक गाली दे दी, बात खत्म हो गई। फिर आप गीता पढ़ने लगे, रामायण पढ़ने लगे, वेद पढ़ने लगे, लेकिन जो आपने गाली की रील तैयार की, जो आपने गाली की तरंगे पैदा की, वे तरंगे तो रुकी नहीं, वे तो चल पड़ी। वे न मालूम कहाँ कहाँ जाएंगी, कितनी कितनी दूर जाएंगी और किस किस का अहित करेंगी, और उस सारे अहित के लिए आप जिम्मेवार हो गए। आप सोच भी नहीं सकते कि एक गाली से कितना अकल्पनीय अहित किसी का हो सकता है। और यह जो संसार का सिस्टम है, इसमें जो आपने लहर पैदा किया, आपने जो बोया बीज, वह चल पड़ा। एक छोटी सी दी गई गाली से क्या क्या हो सकता है, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जगत में कोई भी घटना निष्प्रभावी नहीं है, उसके परिणाम होंगे ही, कठिन मालूम पड़ेगा। किसी का दिल दुखाया हो, किसी को गाली दी हो, तो हमने एक शत्रुता खड़ी की, लेकिन जब कोई सामने ना हो, अंधेरे में गाली दे दी हो, तो क्या उससे शत्रुता पैदा हो सकती है? तो उससे भी पैदा होती है। आप कहेंगे कैसे? आप बहुत ही सूक्ष्म तरंगे पैदा करते हैं अपनी ओर, वे तरंगे फैलती हैं, और उस तरंगों के प्रभाव में जो भी लोग आएंगे उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्मतम तरंगों पर विज्ञान की दुनिया में बहुत सारा काम हुआ है। अगर कुछ लोग गलत हैं और एक जगह इकट्ठे हों और कुछ भी ना कर रहे हों, सिर्फ गलत हों, गलत सोच हो उनकी, और आप उनके पास से गुजरेंगे, तो आपके भीतर का जो गलत हिस्सा है वह प्रभावित हो जाएगा। आपके भीतर दोनों हिस्से हैं, गलत हिस्से और ठीक हिस्से, अच्छे हिस्से, सही हिस्से। कुछ अच्छे लोग बैठे हों, प्रभु का स्मरण कर रहे हों, प्रभु का गीत गाते हों, सिर्फ मौन ही बैठे हों और कुछ ना कर रहे हों, लेकिन जब आप उनके पास से गुजरते हैं तो आपका अच्छाई वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। आपकी वे तरंगे, अच्छाई की तरंगे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि मंदिर जो भी व्यक्ति आता है बहुत ही पॉजिटिव तरंगे लेकर आता है, और मन में श्रद्धा, विश्वास, आशा, हजारों तरंग की शुभ तरंगों को लेकर आता है, मंगल कामना लेकर आता है। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कोई बुरा ख्याल करने का विचार भी नहीं आता। आप सभी ने यह ख्याल किया होगा कि जब हम किसी को हृदय पूर्वक नमस्कार करके सिर झुकाते हैं तो अपने में काफी फर्क पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आपके पास से गुजरता है तो वह एक पारस का काम करता है,
उसने आपके भीतर कुछ सोना बना दिया। अगर वह गलत व्यक्ति है तो आपके भीतर कुछ कोयला बना देगा, जो कि अनजाने में होगा, आपको इसका पता नहीं चलेगा। हम अपने चारों तरफ लोगों को देखें तो वे पारस का काम करते हैं। आपका मित्र वही है जो अपने चारों ओर मंगल का फैलाव करता है और अपने चारों ओर शुभ की कामना करता है, जो अपने चारों ओर नमन से भरा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए मंगल से भरा हो, वो अपने लिए अमंगल कैसे भर सकता है? जो दूसरों के लिए सुख की कामना से भरा हो, वह अपने लिए दुख की कामना तो कर ही नहीं सकता, वह अपना भी मित्र हो जाता है। और अपना मित्र हो जाना बहुत बड़ी घटना है। जो अपना मित्र हो गया वह धार्मिक हो गया। अब वह ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिसे स्वयं को दुख मिले। तो हर व्यक्ति को अपना हिसाब जरूर रखना चाहिए कि मैं दिन में ऐसे कौन कौन से काम करता हूं जिससे दूसरे दुख पाते हैं, क्योंकि अगर दूसरे दुख पा रहे हैं तो मैं भी दुख पाऊंगा। या ऐसे कौन कौन से काम कर रहा हूं जिससे मैं भी दुख पाता हूं। आप दिन में 1000 काम कर रहे हैं जिसमें आप दुख भी पाते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। लेकिन हम इस तर्क को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आप वही व्यवहार जो आपको ना पसंद हो आप फिर कर गुजरते हैं अनजाने में, और सब दोहराए चले जाते हैं, और जिंदगी एक मैकेनिकल रिपीटिशन बनती जाती है। यहीं पर आप भूल करते हैं। तो अंततः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाकर ऊर्ध्वगति में पहुंचाए और जीवन में परम शांति हासिल करे।